घुसने दो पहले। साल के मेहनत के बाद कल ये मूवी लोगों के हवाले होने जा रही है, तो कितना मतलब क्या है? अभी फाइनली पूरा का पूरा अभी ऑडियंस के पास चला गया है पिक्चर, अभी बस उनको पसंद आ गया है तो फिर ये 3 साल की मेहनत रंग लाएगी। आज सब लोगों के साथ में बैठ के मूवी देखने वाले हैं, तो मतलब प्रीमियर एक बहुत बड़ा दिन होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, बहुत बड़ा दिन होता है, तो क्या क्या कहना चाहोगे प्रीमियर को लेके? अभी जो कुछ भी है सब कुछ हमने अपनी तरफ से तो 100% दी है, तो मैं पहले भी कहा करता था कि जो भी रिजल्ट आए हमें एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है, हमारी टीम को पता है कि हमने पूरा अपना हार्ट एंड सोल लगा दिया है। जैसे भी रिजल्ट आएगी उससे हम उसको पॉजिटिवली लेके, जैसे भी फीडबैक आएगा उससे और ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्यार मिलेगा तो उससे भी बेहतर करने की ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर जितना कोशिश अभी किया है उससे ज़्यादा कोशिश डेफिनेटली करेंगे। इंडियन बॉक्स ऑफिस में आप कितने एक्साइटेड? वो तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, नॉट जस्ट फॉर मी, पूरा हमारी इंडस्ट्री जो भी इस चीज़ को एंटिसिपेशन के साथ देख रहे हैं कि कैसा होगा, नई जगह पे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इससे तो बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि चलो हमें इतना ओपन हार्टली वेलकम किया है तो हम भी जाके इनसे मिलते हैं और ज़्यादा जॉइंटली काम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत मायने रखता है दो जगह की रिलेशनशिप। कोई पहली नेपाली फिल्म होता है कि ये इंडिया में रिलीज हो रही है, ये ऑडियंस इसको कितना स्वीकार करेंगे, स्वीकार कितना करेंगे? अभी जिस तरीके का रिस्पॉन्स है, जिस तरीके के काम हुआ ना, मैंने बता दिया, मैंने पहले भी बताया कि ये पहली दफ़ा हुई है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जुट गए हैं, UFOG, स्पार्किंग स्टूडियो, रियल्टर्स, वो अपने आप में एक हिसाब से सफलता है हमारे लिए, क्योंकि जिस लोगों को देखकर हम पिक्चर शुरू करते थे, कितने सारे पिक्चर्स के आगे ये लोगों देखते थे, और अब आज के दिन में ये लोग हमारे बोर्ड पे, ये लोगों और लोग दोनों तो हमारे पिक्चर्स के साथ एसोसिएट हो रहे थे, वो अपने आप में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और बाकी तो अभी पिक्चर देखने के बाद सब बोल ही लेंगे। भारतीय फिल्म बाजार में जहाँ दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्में चलती हैं, उस बीच में, उस मार्केट में आपकी फिल्म का रिलीज हो रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से 150 से 200 की स्क्रीन के आसपास पिक्चर चलती है, हमारी ऑडियंस 2 से 3 करोड़ है, उसमें से हमारे मेरे ख्याल से 2 से 3% लोग ही देखते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी छोटी जगह, कितनी छोटी इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं। अब आज जा करके 1200 स्क्रीन, 1500 स्क्रीन पे रिलीज़ हो रही है ग्लोबली, तो ये कितनी टाइम्स बेटर, कितनी टाइम्स बड़ी है हमारे लिए, तो अभी हम किसी भी इंडस्ट्री से कम्पीट करने की कैपेसिटी से नहीं रखते, लेकिन हमारे पास इतनी बढ़िया स्टोरीज, अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो हमारे ऑडियंस के लिए हम ला के पेश कर सकते हैं अगर हमें सबका सपोर्ट मिले, और मेरे ख्याल से जैसा इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन हमेशा से यूनिटी डाइवर्सिटी का रहा है, इसी तरीके से मेरे ख्याल से जैसे साउथ की पिक्चर की एक्सेप्टेंस मिली है, जैसे हॉलीवुड की पिक्चर्स को भी आप एक हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से ये बड़े गार्डन में ना एक और फूल ऐड होने जैसा है, जिससे ये गार्डन और भी ब्यूटीफुली लगेगा। कृष्णा, आपकी डेब्यू फिल्म है और आज प्रीमियर है, क्या कहना चाहोगे, कितना एक्साइटमेंट है आपको प्रीमियर को लेकर? मैं तो क्या ही कहूँ कि इस फीलिंग को आज मैं वर्ड्स में उतार नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, और फिर बटरफ्लाइज आ रहे हैं, पता नहीं मैं क्या 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 फील करना चाहिए, क्या फील कर रही हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, बहुत ये वर्ड्स में उतारने की मुझे मुश्किल हो रहा है। क्या अभी भी आप हमसे बात कर रहे हो तो आप बात करते करते थोड़े इमोशनल हो रहे हो, आपके चेहरे से पता चल रहा है, आपकी आँखों से पता चल रहा है, क्या एक डर जैसा महसूस हो रहा है? डर भी है, बहुत सारी खुशियाँ भी है, क्या कहीं ये पानी बन के बहना चाहे, इसलिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ। नहीं, वाजिब है क्योंकि आपकी पहली फिल्म है और डेब्यू है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये फील होता होगा कि कल लोगों के सामने मूवी जा रही है, क्या रिस्पांस मिलेगा? अब तक आपको फैंस का कैसा रिस्पांस मिला मूवी को लेकर? मैं तो अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मेरी मूवी रिलीज होने से पहले, ये तो मेरी पहली मूवी थी, अभी मुझे किसी ने स्क्रीन पे देखा ही नहीं, फिर भी मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट जो ऑडियंसेस से मिली है, मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, और सारी ऑडियंसेस को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ इतना प्यार बरसाने के लिए। तो फिर ये प्यार मूवी के कल जो 23rd of September रिलीज डेट है, तो ये प्यार वहाँ भी सदा बाहर रहे और ये सपोर्ट हमेशा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आगे भी आप इस दौर को दोहराना चाहेंगे?
किसको दोहराना चाहेंगे? आप अपनी अगली फिल्म को भी लेकर आप भारत आना चाहेंगे? जरूर, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। प्यार मिलेगा, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। भारतीय जनता में क्या होती है, ऑडियंस जो कि वो बॉलीवुड फिल्मों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और पहली बार नेपाली फिल्म यहाँ रिलीज हो रही है, तो एक तरफ देखा जाता है कि जब वो भारतीय फिल्मों को नकार देते हैं तो उसी बीच में आपकी नेपाली फिल्म जो फर्स्ट पहली बार रिलीज हो रही है, तो आप अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? हमें तो अभी दिख रहा है कि बुकिंग भी ओपन हो गई और सारे के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, तो ऑलरेडी ये प्यार देखने को मिल रहा है, तो क्या ही कहें। आपके क्वेश्चन में मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, कभी कभार मुझे इंटरव्यूज में आप अपने फैंस को क्या कहना पसंद करोगे ऐसे पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं उनको फैंस नहीं कहता, मैं उनको फ्रेंड्स कहता हूँ, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ना गलती करो, अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अपना दोस्त है, तो मेरे ख्याल से इंडिया और नेपाल की भी वो इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम कुछ गिफ्ट हमारे तरफ से लेके आए हैं आप सबके लिए, तो इतना ज़्यादा अच्छा ना भी हो तो भी आप लोग पसंद करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस तोहफा को, और एक हमें ना एक हम गारंटी क्या देंगे कि इससे आगे और मेहनत और बेहतरीन काम करने की कोशिश हमेशा रहेगी। प्रदीप और कृष्णा दोनों को हम इंडियन नागरिक और इंडियन मीडिया की तरफ से आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। ले लो सर, सर जाना चाहूँगा प्रेम गीत फिल्म जो काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी अच्छे तरह से फिल्माया गया है, मुझे लग रहा है जो प्रोडक्शन वैल्यू देखने में मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि काबिलियत आ रही है, और मैं तो पहली बार खूबसूरत चेहरी खूबसूरत कॉन्फिडेंट चेहरी, और मुझे लगता है इनका अच्छा खासा फ्यूचर है, चाहूँगा कि लोग जाकर देखें, नए लोगों को देखें, इनका एक उनकी सुंदरता ही अलग है ऐसा मुझे लगता है, और कितनी मासूम है ये लोग, इसलिए ज़रूर देखें, और लग रहा है ऐसा कुछ बड़ा बड़ी फिल्म। वैसे ये भी कहना चाहूँगा आज के दौर में आपको जैसे पता है कॉन्टेंट की किंग है, बजट और स्टार्स की वैल्यू अगर देखा जाए, अभी ऑस्कर्स में गुजराती फिल्म चैलेंज की गई है, क्या कितनी बड़ी बात है, आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इस फील्ड को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इवन कश्मीर फाइल्स और आर आर नहीं जा पाई, जब कितनी बड़ी बड़ी फिल्म थी, इतना ज़्यादा पैसा और नाम कमाई, फिर भी क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मुझे लगता है वो तो चॉइस है, कौन सी फिल्म भेजनी है, इसी फिल्म को दूसरी फिल्म के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, अपनी जगह आर 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 उसने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, विदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, यहाँ पर कश्मीर फाइल्स ने जो एक किस्म से लोगों के इमोशन को जगाया, मुझे लगता है कि छेलो शो मैंने अभी देखी नहीं, और जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी फिल्म भी आपको अचानक से आपके अंदर कुछ ऐसा कर देती है, इम्पैक्ट कर देती है कि आप उससे बाहर नहीं आ पाते, इसलिए फिल्म का इम्पैक्ट होता है कोई छोटी और कोई बड़ी होती है, जैसे इन दोनों को देखकर भी ऐसा लगता है कि कोई नया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो हुनर है वो पता नहीं कितना गहरा है, तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चला। और सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ, राजू सर का निधन हुआ आज, उनकी मतलब अंतरिष्ट क्या कहना चाहिए, कितना बड़ा नुकसान हुआ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, और पूरे अगर देखा जाए किस वजह से राजू सर के निधन की बात करें। अच्छा, राजू सर का निधन, मैं उनको तब से जानता था जब बिल्कुल ही नहीं थे, और एक तो याद है ये भी है कि हम शूट कर रहे थे और तब वो एक नया अपना एक एपिसोड बना रहे थे, जो खुद अपने जोक्स बनाते थे वाकई में, तो मुझ पर ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कहा राजू भाई तुम बना रहे हो अपना जोक, तो कहते हैं हाँ अब आपके साथ एक कोशिश करके देखता हूँ, वो वर्क कर रहे थे, मैं बिल्कुल वर्क कर रहा था, तो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी फनी, एंड कहीं इंटीग्रिटी खोया हुआ आदमी नहीं था जब मैं उनको जानता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा मेरा। सर आखिरी सवाल है सर, आपकी फिल्म को बहुत प्यार मिला दंगली चाल को, क्या कहना चाहोगे आपके कैरेक्टर को, लव द फैन पर, क्या ऐसी फिल्में हिंदी में भी आएगी आपकी जो फिल्म? मुझे तो लग रहा है जैसे फिल्म एंड हुई थी दंगली चाल 2, दंगली चाल 3 हिंदी में आएगी, और हमारा जहाँ होर्डिंग लगा था ना वहीं इनका होर्डिंग लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्रेम की 3, तो मुझे लग रहा है कि इनकी वजह से मेरा भी दंगली चाल 3 आ जाएगा, और एक्सपेक्टिंग नेशनल
अबाउट फॉर योर कैरेक्टर? मुझे लगता है कि जो जहाँ मिल रहा है, पर एक जरूर है कि लोगों ने उसको सराहा है, और लोगों ने सराहा एक बात है, जो डैडी है उनको बहुत पसंद आया है, तो आई थिंक चलो वही बात और जैसे ऑस्कर्स और दूसरे पिक्चर्स की बात हुई मेरे ख्याल से ना भगवान से सब कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन ऑडियंस से प्यार मिले वो सबसे बड़ी अवार्ड होगी, और आर आर को इतनी जगह से ग्लोबली प्यार मिला, तो हम तो विश करते हैं उस तरीके का प्यार मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रेजेंस के लिए। सुभाष जी ये इनकी वजह से आए हम। हाँ, प्यार पता ही चलता है वो क्यों इनके साथ जुड़े, इतने प्यारे लोग हैं, मुझे लगता है लोगों ने इनको प्यार देना चाहिए। आपने जो गीत गाया है उस पर जो शूट करके पूरी मूव जो सॉन्ग पिक्चराइज हुआ है, तो आपको क्या लगता है सॉन्ग के साथ में कितना जस्टिफिकेशन हुआ है? 100% हुआ है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे गाने में पूरा जो फ्रेम और गीत के जो लव स्टोरी का केमिस्ट्री है वो मेरे गाने पे ही दिखाए हैं, तो मेरे बहुत खुशी हुई और मोर देन जस्टिफिकेशन हुआ है। बहुत बढ़िया बेहतरीन शूटिंग है, लोकेशन भी बहुत प्यारा है और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, और जो क्यूट केमिस्ट्री है प्रदीप जी का कृष्णा जी का वो अमेजिंग है। आपने देखा होगा तो उसके बारे में अगर कुछ नहीं पता। मुझे टीजर बहुत पसंद आया था, एक्चुअली डैड के साथ बैठ के मैंने बहुत बोला था और कट करो, तो फिर मैं
आके मुझे डायर दिखा देते ये कैसा लग रहा है, तो उन्होंने तीन चार बार बहुत बार कट किया था, ये एडिट किया था ट्रेलर को, फिर टीजर को, फिर ट्रेलर वॉज अ सरप्राइज फॉर मी. ट्रेलर ट्रेलर मैंने देखा नहीं था, जब मैंने ट्रेलर देखा यूनाइटेड इट वॉज डिफरेंट, उन्होंने मुझे पहले कुछ और दिखाया था फाइनल कट, फिर फाइनल कट कुछ और था जब रिलीज हुआ था. ट्रेलर एंड टीजर मोर देन लुकिंग लाइक बिग बॉलीवुड मूवी, लाइक यू नो टॉलीवुड मूवीज आर वेरी एक्साइटेड. तो आप आज मूवी को फर्स्ट टाइम डॉल्बी में थिएटर में बैठ के देखने वाले हैं? फर्स्ट टाइम हम लोग वॉचिंग, कुछ आइडिया नहीं है ट्रेलर और टीजर के अलावा. थैंक यू. थैंक यू. Just on your left. Thank you. Thank you. लाइट मार विनोद. नीचे खड़ा सोलो धोते दोनों को लेना ना साथ में. चश्मा पहन लो. पहन लो पहन लो. अरे पीछे आओ, टिंकू पीछे आओ, कैमरा आ गया, कैमरा हारा टिंकू. एक अरे बिना बोल दो. ए रुमा रुको रुको रुको. हां अरे बाइट 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 बाइट. एक मिनट. अरे यार थोड़ा सीधे हो जाए. सीधे हो रहे हैं आज ही. अरे फिर से वही ये वही ग्रुप हो गया. हां जी यार ये जो किधर है लाइक ये है मेरे किधर है. ओके थैंक यू सर. ये लोग चालू करते आप लोग कैमरा दोनों का सर सामने. अरे सर समोर. सोलो सोलो सिंगल भी ले. थैंक यू सर. सोलो सोलो
सर सामने नहीं है इनको पता नहीं मार्केट सुन नहीं रहा सो सर वोट आपको भी जाएगा हमें एक फोटो के लिए सिंगल सिंगल खाली खाली इनका रहेगा इनका खाली है हर्ष प्रदीप आ रही है थैंक यू सर हां ये अरे सर मैं राइट राइट सामने ये मैम ये आई आई चालू कर कैमरा बंद चलो अच्छा ये चल लिया कैमरा बंद कर दो तो मैं सो हेलो सुनो बैठ लो चलो ओके मारो किसी ने भी इतना हैप्पी ना आ दो कृष्णा आज पूरी स्टार कास्ट के साथ में और भी लोग प्रीमियर है ये आपके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये डेब्यू है आपका तो क्या कहना चाहोगे कितना एक्साइटमेंट और कितना डर है डर तो है ही कल को रिलीज है आज प्रीमियर है और बहुत बहुत डर से भी ज़्यादा नर्वस से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरे गॉड से मेरे ऑडियंस से मेरे पेरेंट्स से मेरे प्रोड्यूसर से मेरे को एक्टर से सारे के सारे इस दुनिया से मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ फैंस के लिए कोई मैसेज क्योंकि कल मूवी रिलीज हो रही है जी कल को मूवी रिलीज हो रही है 23rd of September आपके प्यार और सपोर्ट तो पहले से ही मिल रहे हैं आशा करती हूँ कि कल के रिलीज डेट में भी आपके प्यार ऐसे ही बरकरार रहेंगे सो सी यू ऑन द थिएटर्स आज की रात के बाद कल की सुबह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप एक सुपरस्टार बनने जा रहे हो तो कितना क्या कह रहे हैं क्या बनूंगी ये तो मुझे पता नहीं मे भी उस चीज़ के लिए बोलते हैं ना बहुत ही बटरफ्लाइज हो रहे हैं क्योंकि पता नहीं कल की सुबह क्या लाने वाली है तो फिर देखते हैं कल को क्या पता है ठीक है एनी मोर क्वेश्चन थैंक यू ठीक है ओके विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट एक मिनट कोई सुनने वाला हां सर बंद हो गया समीर को वेट 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 ये रहा मैंने ये फोटो जाना थी बोल के चला गया सुनो सुनो दा थैंक यू अब मैं रुक रुक एक मिनट अरे फोटो देना ए रुक जा हां रुक ए रुक जा आसिफ पीछे आ पहले भैया को भेजना था फोटो
आओ इधर गए। अरे मैडम कहाँ गई? एक्सक्यूज मी कहाँ गई ये? डिनर। अरे ऑफिस के लिए फोटो ले लो। ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए। थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। हे राजा, हे राजा। यस यस। अरे ऑफिस भेजना है, आ जाओ आ जाओ। अरे मैं भेज दूंगा, दे दूंगा, आ जा। हाँ वो कहाँ गई दोनों? एक्सक्यूज मी सर, सर सर गो गो दैट वे। नेपाली बोल, नेपाली बोलो ना। नहीं नहीं भाई, कौन मुझे एक बार भाई अनस भाई सरोज का आता है सर, ये छोटा वाला भाई उसको आता है। ये तो मुंबई बहुत छोटा सा है, ये फोटो माने तो यार हो गया ना थोड़ा पीछे। पूरे वर्ल्ड में पिक्चर लग गई, क्या कहना चाहेंगे? आज तो मेरा सपना भी पूरा हो गया है। अभी बहुत मैंने इस बहुत जो पब्लिक का प्यार मिला है, जो दर्शकों का प्यार मिला है, मैंने बहुत बहुत मिस किया मेरा भैया छेदन गुरु को, जिस उन और मैं मिलके इसको डायरेक्शन किया था। सो उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, विश्व से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इंडिया से बहुत प्यार मिल रहा है, फिर बहुत खुश। और मानसी भाई एक इधर भी संभालना है सर, नहीं नहीं डबल रोल कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। बोलें हाँ सर, अभी पूरे इंडिया में एडवांस बुकिंग बहुत अच्छा लगा है, 1000 स्क्रीन से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिलीज है, और रिस्पॉन्स जो आ रहा है ट्रेलर का, पिक्चर का, गानों का बहुत कमाल है। तो क्या कहना लग, इंडिया में प्यार जो मिल रहा है कैसा लग रहा है? बहुत कुछ, मैंने तो इतना वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इंडिया से इतना ज़्यादा ढेर सारा प्यार मिलेगा। अभी जो एडवांस बुकिंग देखते हुए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इधर से तो और ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जितना मेहनत हमने किया इधर किया है, मुंबई में बैठ के, इंडिया में बैठ के, उसका नतीजा मिल चुका है। सब दर्शकों के ढेर सारे धन्यवाद, और प्यार कीजिए, और दोस्तों को फैमिली को बोलिए कल से फिल्म रिलीज है। धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो कम थोड़ा थोड़ा पीछे, कम तो पीछे सर। हिंदी हवा कमी ऊपर से। The young man himself is here. Yes. Come thoda thoda pass mein. Sir, your center. Yes. Come thoda. Yes, come on. चलिए नाउ बाइट प्रभात जी, कम माइक आराम से। शोर फिल्म जो काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी अच्छे तरीके से फिल्माया गया है, क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में? मुझे लग रहा है उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू देखने में मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक काबिल तारीफ फिल्म है। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, खूबसूरत चेहरे हैं, खूबसूरत कॉन्फिडेंट चेहरे हैं, और मुझे लगता है इनका अच्छा खासा फ्यूचर है। मैं चाहूँगा कि लोग जाकर देखें, नए लोगों को देखें, इनका एक इनकी सुंदरता ही अलग है। सर जयंती सर आइए, बिगड़े पूरे पीछे देखेंगे ना।